हाय फ्रेंड, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल डिजिटल विनय। दोस्तों, आज के अपनी शूटों में हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग करेंगे बोया कंपनी की तरफ से आने वाले बोया BY-M1 माइक को, और यहाँ पे जानेंगे कि ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लेंगे कि आखिर इस बॉक्स के साथ मेरे को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यानी कि क्या क्या एसेसरीज यहाँ पे हमें को देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट से परचेज करेंगे तो कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग में आपका बोया का M1 माइक आता है। बाकी अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। आप अगर फ्रंट इंग से अगर आप देखना चाहेंगे तो बोया का माइक का जो बॉक्स रहेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि नेवियर माइक्रोफोन आपका दिखा रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बारकोड दिया रहेगा जिसके थ्रू आप स्कैन करके आप रियलिटी चेक कर पाएंगे कि आपका जो ये बोया माइक है वो रियल है या फिर फेक है। अगर बैक साइड में आएंगे तो बैक साइड में आपका यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा रहेगा कि ये आपका जो माइक है वो ओमनी डायरेक्शनल यानी 360 डिग्रीज में आपकी वॉइस को ये कैप्चर करता है। और साथ ही साथ इसमें जो बैटरी यूज़ होगी वो LR44 यूज़ होगी। और बाकी इसकी अगर प्राइस की बात करता हूँ तो मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से करीब 600 रुपये के आसपास मैंने इसको परचेज़ किया ऑफ, और अगर आप ऑनलाइन मार्केट पर जाते हैं तो आपको 700 रुपये से लेके आपको 1000 रुपये के आसपास में ये बोया का माइक देखने को मिलता है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, यानी कि एसेसरीज मिलती हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे बॉक्स में तो कुछ इस प्रकार के पाउच में आपका मेन माइक आता है। साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपके पास एक यूज़र मैनुअल आएगा जिसमें आपको बोया माइक को यूज़ करने का तरीका दिया रहेगा। तो इसको तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे, हम इस पाउच को यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे यूनिट आपको माइक की मिलेगी, और इसमें अगर वायर की लेंथ की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसमें वायर की लेंथ दी गई है जो कि आपके हर प्रकार के वीडियो को बनाने में हेल्प करेगी। और यहाँ पे अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे आपके माइक की, तो यहाँ पे पूरी तरह से मैटेलिक है, और यहाँ पे ऊपर साइड जो माइक में क्वालिटी यूज़ की गई है वो है ब्लैक प्लास्टिक की। और बाकी अगर वायर की क्वालिटी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वायर की क्वालिटी दी गई है, और यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड आपके यहाँ पे पिन दी गई है जिसके थ्रू आप ईजिली अपने फ़ोन या फिर DSLR में इंसर्ट कर सकते हैं। और बाकी इस बॉक्स में यानी कि इस पाउच में मेरे को एक अलग से पैकेट दिया गया है जिसमें मेरे को यहाँ पे फॉर्म दिया गया है जिसके थ्रू आपका जो यानी कि विंड के अगर आपके आसपास अगर ज़्यादा चलोगे तो उसकी आवाज़ नहीं आने पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा क्लिप दिया गया है जिसके थ्रू आप आसानी से अपने बड़े होम थिएटर वाले माइक में यूज़ कर पाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक अलग से कनेक्टर दिया गया है जिसके थ्रू आप बड़े होम थिएटर वाले साउंड्स में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जिसको यूज़ करके अगर आपको ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं आपकी वॉइस काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर आ जाएगी। साथ ही साथ आपको इस पाउच में एक यहाँ पर LR44 की बैटरी मिलती है जिसको आपको अपने इस माइक में डालना होगा, और जब DSLR में यूज़ करेंगे तभी ये केन वर्क करेगा। साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे एक क्लिप दी जाएगी, ये देख सकते हैं आप एक यहाँ पे क्लिप दी जाएगी जिसको यूजली आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी जगह पे माउंट करने के लिए माइक को। जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो आपका आसानी से माइक यहाँ पे माउंट हो जाएगा। तो कुछ ये चीज़ें आपको इस माइक के साथ देखने को मिलती हैं। बाकी वॉइस क्वालिटी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अगर इसको परचेज़ करेंगे तो आपको बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आपका माइक रियल है या फिर फेक तो आप इस बारकोड को स्कैन करके ईजिली चेक कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।